यार आज की वीडियो का लाइक भी वही 500 600 700 रहेगा भाई, आप लोग दबा के लाइक कर देना यार। लिया है ना हाँ। रेडमी में थोड़ा भी यही लिया है हेलो कैसे यार, आई मिस यू यार। कैसे सब बढ़िया ना? आजा मेरा बच्चा। अच्छा तो वेलकम बैक टू माय डेली लाइफस्टाइल ब्लॉग, और मैं हूं आप लोगों के छोटा भाई मिस्टर एच के सोनी। तो बड़ों को प्रणाम, छोटों को हेलो। तो यार देखो, आप लोग जो भी मेरे चैनल पर नए हो ना भाई, फटाफट से आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना कि आपको आपके छोटे भाई की वीडियो कैसी लगती है। और देखो यार, आज की वीडियो को लाइक भी वही 500 600 700 रहेगा भाई, आप लोग दबा के लाइक कर देना यार, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना, क्योंकि हम लोग 7000 सब्सक्राइबर के बहुत ही ज्यादा करें। चलते हैं हम लोग ना फटाफट से गैस वगैरह लेने के लिए, क्योंकि ना घर में लेकिन दुकान वकान का तैयारी भी करना है, और दुकान के लिए भी गैस नहीं है। तो मैं फिलहाल में निकल रहा हूँ गैस के लेने के लिए, रेस्ट नहीं कर पाया भाई। और अभी 4 बज रहा है, मैंने वीडियो अभी तक अपलोड नहीं किया है, मतलब अपलोड कर लिया है, पोस्ट नहीं किया। वहाँ से आ जाऊँ, उसके बाद थंबनेल वगैरह बना के टाइटल वगैरह लिख के फिर फटाक से मैं अपना वीडियो अपलोड कर दूंगा। फाइनली टोकन मिल चुका है भाई, चलो निकलते हैं अब गैस लेने के लिए। ओ भाई टंकी उतर गया भाई साहब, ऊपर से नीचे। ओ भाई साहब भीड़ नहीं है आज, एक टाइम में रहे हैं सुबह टाइम। हाँ और गाइस ये प्रसादी उसादी, मतलब पूजा के लिए मम्मी जा रही है, तैयारी वगैरह। क्या टाइम जा रहे हैं? 6 बजे। चल ठीक है, फिर तैयार होते रहा, मम्मी का है गाड़ी, ठीक है निकलता हूँ मैं, आता हूँ मैं। ताला है मेरे पास, देखने को सिगरेट हो रहा है, बाजार वगैरह करना है। और भाई सामान वगैरह मेरा टोटली निकल गया है, कद्दू है, गाजर है, लौकी है, बैंगन है, खीरा है, सॉरी खीरा बोल रहा हूँ, मूली वगैरह है, तो मेरा और भी सामान है जो ले लेता हूँ मैं। 20 का ना अभी भीड़ लगा है भाई दही के लिए।
पलटी मारने के बाद पोहा बनाने के लिए बैठ जाते हैं। टाइमिंग साढ़े 5 बज चुका है, जल्दी हो गया भाई। आज उठा भी हूँ भाई 3:10 में। और भाई ये देखो, जीरा और सौंफ, हल्का सरसों और प्याज वगैरह डाल दिया है, और ये गोटा गोटा मिर्चा बहुत तीखा हुआ, ये मैं भूज रहा हूँ अभी पोहा का, पोहा वहाँ रखा हुआ है। तो इसमें और क्या क्या चीज़ डाल सकते हो आप लोग बताना भाई। फल्ली दाना अभी डलाएगा, अभी डाला नहीं है मैंने, भूंज के लेकिन रखा हुआ है, ठीक है। ये देखिए आप लोग, अभी डलाएगा, अभी डाला नहीं है मैंने। बस पोहा को चलाना बचा हुआ है, बाकी चीज कंप्लीट हो चुका है, झोला भी हो गया है देखो आप लोग। चना, एप्पल, केला और ये दूध। 6:30 बज गया भाई, सोनू के पास फोन किया है, 15-20 मिनट जो भी लगे उसको आने में, सब कुछ रख लिया मैंने इधर। फाइनली भाई आज 6:30 बजा है और मैं पहुंच चुका हूँ, और कल ना 7:30 बज गया भाई, 7:30 बज गया था यहाँ आने में। थोड़ा जल्दी उठ जाता है, लगभग 5:30 बजे तक उठ जाता है सोनू, तो काफी सही है। भाई साहब सुबह टहलने भी जाते हैं, कैसे ब्रो? हाँ वो तो है भाई। नहीं भी फोन करते निकलने वाला रहे, हाँ बस एक लोड करा था जितना टाइम फोन करे रहे। ठेला वहाँ खड़ा है, फल की दुकान लगी रही इधर, वहाँ है इतनी सारे कबूतर है ना। तो मैं जा रहा हूँ पानी लेने के लिए, पानी ले आता हूँ उसके बाद फिर दुकान लगा लूँगा अपना। भाई जमा लिया है पूरा का पूरा, देखो भाई कर दिया हूँ। तो गाइस फाइनली देखो भाई, इडली ना मैंने काफी देर पहले डाला था, इडली भी लगभग लगभग हो ही गया होगा, और भैया लोगों का ना वहाँ भी कंप्लीट हो चुका है लगभग 20 मिनट के आसपास। इधर भी है भाई बोले, सुबह सुबह काफी अच्छा बोली है भैया लोगों को। मैंने सांभर भी डाल दिया, थोड़ा चना का कपड़ा, सब्जी चना का अपने भाई, भीड़ भाड़ लगे थोड़े मोड़े पोहे के, और ज़्यादा नहीं, बस लास्ट पोहा इतना ही बचा है मेरा, वो भी पार्सल ही जा रहा है। कम्प्लीटली इडली भी बन के तैयार हो चुका है, देखिए आप लोग, दिखाता हूँ आप लोग को। सोनू भैया का दुकान अभी लगना चालू है, लोहिया बन रहा है भाई, इसमें बनेगा आलू चाप, आलू चाप बनेगा ना भैया इसमें, अभी कढ़ाई अभी बैठा नहीं है। हाँ भैया 20 रुपये भैया एक प्लेट, बस ये इसी ना लगभग मेरे पास इसे किस क्या बचा हुआ, उसके बाद हो जाएगा मेरा सामान, दोबारा बनाऊंगा, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। तो आ जाए फिलहाल में मेरे पास लक्की,
कैसा लगा? कुछ कमी? नहीं, कुछ कमी होगा तो तू बता सकता है। इडली दूँ? कटो तो सिंगल डबल दो ठो और थोड़े समय बाद पोहे बचे थोड़े इडली ना दोबारा लगभग किसी किस के आसपास और बना लूँगा। लास्ट पोहा है भाई, कुछ सही बताया टोटल लगभग 3 से 4 प्लेट हो गए बस। वो जो रेस ना ट्राइपोड, वो दिल्ली वाला रेस, और दिल्ली का सामान ज़्यादा चलता नहीं है। अभी ऑर्डर दिया हूँ, ट्राइपोड आने वाला है। रोड में कौन लिया? स्टार्टिंग हो गया भाई, पहला तो सब बंदा है मेरा आ रहा है। आना जल्दी से, मैं खा के बैठा हूँ, तेरे कब से वेट कर रहा था। ये दिया है ना? हाँ। रेडमी में? हाँ। रोड भी यही लिया है अपनी, उसको पोको वाला रेडमी चाहिए। हाँ। गजब का कैमरा दिखाता है। अल्ट्रा भी दिया है, हम लोग उसने भी लिया। बहुत सस्ता हुआ था, दिक्कत है, मैं उठा लूंगी। सर लगाया हूँ इधर भी गई भी बना दो सर। इधर भी अभी डोसा उधर भी चल रहा है। फाइनली 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 देखो, ज़्यादा चटनी खाने वाले कस्टमर आ चुके हैं आजकल ना। मैं जिम ना पंकज भाई के साथ ही जाता हूँ। अब ना भाई को चटनी ज़्यादा नहीं खिलाना है, भाई को ज़्यादा सांभर खिलाना है। प्रोटीन, विटामिन, लौकी का सब्जी। मार्केटिंग काफ़ी सही रहा भाई, पूरा सामान फिनिश होने के बाद ना भाई काफ़ी तगड़ा मार्केटिंग है। कंटिन्यू ना 6-7 महीने दोस्त बनाया तो मार्केटिंग का सीखा नहीं, लेकिन भाई 7-8 दोस्त मतलब दस दोस्त के बाद सीधा 4 फुल हो जाता है। समझ रहे आप लोग, ये थोड़ा सा बेटर बचा है बस, और बाकी थोड़े से मसाले हैं, और बाकी सामान टोटली फिनिश हो गया है मेरे पास। ये 3-4 इडली बचे हैं, 1-8 इडली मैं खा लेता हूँ, बाकी सामान बचा नहीं, दुकान वगैरह बढ़ा लेता हूँ मैं। और टाइमिंग ज़्यादा नहीं हो रहा है, 9:30 के आसपास हो रहा है। ले सिवा भैया ले तो, 10 आओ दे तो, 10 आओ दे तो ना, चल 1-8 इडली खा लेता हूँ मैं भी। फाइनली मैंने दुकान वगैरह बढ़ा दिया है, और टाइमिंग लगभग 10:30 के आसपास हो रहा है। ठीक है, बाकी मार्केटिंग क्या हुआ है, कैसा हुआ है, घर जाने के बाद मैं आपको वो बताता हूँ। मैं फोन पे वगैरह चेक कर निकलते हैं घर की तरफ। समोसा भरा रहा है यहाँ, बंद है यार ना भैया, कैसे जादू करते हैं यार, तेल गर्म को चीज। मेरा तो यहीं खड़ा है, देखो ना सामने में देखो। अरे सिवा भाई, तो पैसा देना है ना। मैं अभी ठेला वगैरह पूरा साफ सफाई करके धो धा के रख लिया है, सामान यहाँ रखा हूँ। चाचा 2 मिनट देखे के ना आ रहा हूँ। तो मैं फिलहाल में जा रहा हूँ अपना बाइक लेने के लिए, वहीं पास खड़ा है। आज ना भाई मार्केट स्लो हो जाता है, वैसे मार्केट काफ़ी तगड़ा रहा, पार्सल गया, और लास्ट मोमेंट में भाई दूसरा बेचारा जो चालू हुआ ना, मैं जा गया। घर जाकर बताता हूँ क्या मार्केट हुआ, कैसा मार्केट हुआ, और कैसे का हुआ। तो भाई काफ़ी तगड़ा मार्केट रहा है, देखो आप लोग, मतलब ये है मेरे पास लगभग 1600 रुपये के आसपास का, और लगभग 250 रुपये के आसपास का फ़ोन पे, मतलब 1850 रुपये के आसपास का, काफ़ी सही मार्केट है। इससे पहले ना मेरा मात्र 1600 का था, उसके बाद ना मैंने ना डोसा बेचा भाई, और लगभग ना मेरा 800 रुपये के आसपास का उधारी भी है, मतलब रेगुलर कस्टमर है जो बहुत पुराने हैं भाई, बहुत पुराने हैं, आते हैं ना दुकान में, पैसा उनके पास मिल ही जाना है। ठीक है, तो इसलिए मतलब 100 रुपये के आसपास का वो समझ लो, मतलब जब मिलेगा तब देखा जाएगा भाई, लेकिन अभी तो फिलहाल में 1850 रुपये के आसपास का मार्केटिंग हुआ है। और हाँ, बहुत लोगों को लगता है कि भाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन देखो कम सामान आप लोगे ना तो उतना ही पूंजी लगेगा, अगर ज़्यादा सामान लोगे ना तो उसमें 100-150-200 रुपये पड़ जाता है, तो उसमें ज़्यादा पैसा बचता है। लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम है, दुकान जब मेरा काफ़ी जम जाएगा, ठीक है, और 5-7 किलो के आसपास जब मेरा पोहा खपना चालू हो जाएगा, तब मार्केटिंग काफ़ी सही रहेगा। मान लो अभी मैं 4 किलो, 3 किलो, 4 किलो पोहा लेता हूँ, ठीक है, मान लो उसमें मात्र मैं
समझ लो 800-900 रुपये का जीता कर मैं पोहा बेचता हूँ, अगर उसमें मैं 2 किलो बढ़ा दो 100 रुपया ठीक है, और लगभग 300 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाएगा, तो ऐसे में मेरा ज़्यादा पैसा बचना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा टाइम है, दुकान पहले जम जाए उसके बाद देखते हैं, फिर काफ़ी सही मार्केटिंग होना चालू हो जाएगा। और एक बात और, आप लोगों का बहुत लोगों का सवाल जो अब मेरे में एक दो ठो कमेंट आया है कि आपने उसको ऐसे बोला उसको बोला, ठीक है, तो मैंने किसी को कुछ भी नहीं बोला था, उसका वीडियो है मेरे पास प्रूफ, सबसे लास्ट में उस वीडियो को मैं डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, एकदम छोटा सा क्लिप मात्र 3 से 4 सेकंड का डालूंगा आप लोग, ताकि समझ सको। ठीक है, और बाकी उससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, समझदार लोग की रील थारा काफी है। हाँ, तो वो बोला कि भाव बढ़ गया। अच्छा, वो बोला? हाँ, वो बोला उसको भाव बढ़ गया। हाँ, ठीक है ना। हाँ, तो उसकी कटिंग फटिंग करके कुछ कुछ बनाया है वो, समझे ना, मैं बोला था सो मत डालना वैसा वीडियो को, समझ गया। अच्छा, आप बोले थे।